मध्य प्रदेश के सीहोर के जिला अस्पताल में डॉक्टर डीएस सुमन के साथ बदसलूकी के मामले में बीजेपी नेता जसपाल अरोरा घिर गए हैं। गुरुवार को सीहोर में जिले के सभी डॉक्टरों ने कलेक्टर के नाम सामूहिक इस्तीफा दिया। पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन में ट्रेन अटेंडर द्वारा एसी कोच में शराब सर्व करने का मामला सामने आया है। स्टिंग में कोच अटेंडर कुछ पैसों के लिए ट्रेन के कोच में मनचाही शराब देने की बात करता है। अवंतिका एक्सप्रेस के B3 कोच में ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। प्रदेश में दलित आदिवासी बाहुल्य इलाकों के जीर्ण शीर्ण मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 27 करोड़ का बजट अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग ने रोक दिया है। विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि हनुमान राम दलितों के भगवान नहीं है, ऐसे में इस पैसे को दलित उद्धार करने वाले देवताओं के मंदिरों पर खर्च किया जाएगा। 500 करोड़ के हवाला कांड का खुलासा करने वाले IPS गौरव तिवारी के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट की युगल पीठ ने खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने याचिका लगाने का उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता पाने का जरिया करार देते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई। एक तरफ जहां प्रदेश में आधुनिक खेती के लिए सरकार जोर दे रही है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के खेत में अपनाई गई आधुनिक विधि फेल हो गई। सीएम के खेतों में लगी अनार की फसल खराब हो गई, वहीं जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं रही। वहीं सीएम की विदिशा से सटे फार्म हाउस में लगी टमाटर की फसल भी कुछ खास फायदा नहीं दे पाई। MP में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाला बोनस बंद करने के बाद इस बार सरकारी खरीद केंद्रों में 4.25 लाख किसान कम दर्ज हुए। सरकारी खरीद और खुले बाजार में आने वाले गेहूं की आवक करीब 50 लाख मीट्रिक टन गिर गई। ज्यादा रकबा और अच्छे उत्पादन के बावजूद इन किसानों का वहां ना पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले अजय प्रकाश शर्मा ने अपनी गाड़ी बेचकर गरीबों के लिए रैन बसेरा तैयार किया है। सर्दी से कांपते गरीबों के लिए रात के समय ये रैन बसेरा हर रोज करीब 120 से ज्यादा लोगों की पनाहगाह बनता है। इसे अजय प्रकाश शर्मा और उनके दोस्तों ने खुद ही तैयार किया है। मध्य प्रदेश में आज रात BSNL के सभी प्रीपेड सिम मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय तय किया है। कंपनी ने इसकी वजह टेक्निकल इश्यू बताया है। सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज के दो बड़े स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस लॉन्च होने वाले हैं। इंडिया में ये दोनों ही फोन मार्च के बाद बाजार में दस्तक दे सकते हैं। गैलेक्सी S8 में 5.7 इंच की स्क्रीन होगी, वहीं गैलेक्सी S8 प्लस में 6.3 इंच की स्क्रीन होगी। फोन की खास बात यह है कि इसमें 6 GB की रैम होगी। पत्रिका के नींव अभियान के तहत शाजापुर में हमने शिक्षा की हकीकत जानी। यहाँ तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही रह जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए पत्रिका के प्रयास जारी हैं। नींव अभियान के तहत अब यहाँ बच्चों को स्कूल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।